अपने पार्ट पे चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वर्षों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश आ रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ। तो आगरा में 7 साल बाद, लगभग 8 साल बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूपी के दोनों लड़के इकट्ठा हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरों में, जहां तक आपकी नजर जाएगी दोनों तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको नजर आएंगे, और अखिलेश यादव इस समय संबोधित कर रहे हैं इस रोड शो को। रोड शो यहां से शुरू होगा, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर। प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय नजर आ रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, और वो इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं क्योंकि ये 2017 के बाद पहली बार होगा जब लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। आप देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आराधना मिश्रा मोना, प्रमोद तिवारी, अजय राय जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं वो भी हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर तिराहा जो है यहाँ से इस रोड शो की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया प्रयोग, 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ा था, 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 105 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। हालांकि बहुत ज्यादा सफलता उस चुनाव में नहीं मिली थी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को, लेकिन अगर आप आज के प्रयोग को देखें तो कोशिश ये हो रही है कि दोनों दल मिलकर के उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटरों का एक तरह से बंटवारा हो सकता था वो बंटवारा रोक दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती दी जाए। तो इस वक्त अम्बेडकर तिराहे से रोड शो शुरू होने वाला है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जिनको प्रशांत किशोर ने नाम दिया था, यूपी के दो लड़के,